गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं आपको कल का दिन मेरा स्किप हो गया क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज मैं आपको 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और अभी ये अध्याय आप सुनने के बाद कुछ घंटों के बाद आज ही मैं आपको 9वां अध्याय भी सुना दूँगी, जिससे हमारा जो 15 डेज का टारगेट है वो मतलब आगे पीछे ना हो जाए। तो आज मैं जल्दी से आपको 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस 8वें अध्याय के अंदर मरण कालिक जो मनुष्य होता है उसके समय क्या दान करे जाते हैं उस समय पर, और मरण काल में भगवान का स्मरण जो करा जाता है तो उसका महात्म्य क्या है, ये बता रहे हूँ। इसमें गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए। पुत्रों को जिस प्रकार इस क्रिया को करना चाहिए उसे भी अच्छी तरह से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ताक्षर्य, मनुष्य के हित की दृष्टि से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देख कर और प्राणवायु के नाद न सुनाई देने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का तप परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। जब मतलब मरण के समय व्यक्ति जब पता लग जाता है कि अब प्राण निकलने वाले हैं तो अपने प्रायश्चितों का जो है अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों में सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य को के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी के समीप आकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए। ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई मरणासन होता है कोई व्यक्ति, उस समय वहाँ पर शोक नहीं करना चाहिए। प्रयुक्त मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये जो भगवान के जो 10 अवतार हैं जिनका जो नाम है, ये 10 अवतारों का संकीर्तन करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे जाते हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण बोलकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। ये भी एक कथा है भविष्य पुराण के अंदर, महापुराण में दे रखी है, जिसके अंदर अजामिल ब्राह्मण था और वो किस तरह से सारे जीवन नास्तिक रहता है, कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, बहुत गलत काम करता है, मगर उसके पुत्र का नाम नारायण था। आखिरी समय में जो नारायण नाम लेता है तो उस समय जो यम के दूत आते हैं वो नारायण का नाम सुनकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि यहाँ का तो नारायण का नाम जपा जा रहा था। तो इसलिए आखिरी समय में भी अगर भगवान का नाम लेकर तो अजामिल जैसा पापी इंसान भी भगवान को प्राप्त हो गया तो हम इंसान क्यों नहीं हो सकते। अब उनके विषय में मैं तुमको कहता हूं जो भगवान के नाम का स्मरण करके काम करते हैं। चित्रवृत्ति वाले, दूषित चित्रवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का सकुल विनाश करने से जितनी शक्ति भगवान के नाम में है पात के मनुष्य उतना पाप करने में भी समर्थ नहीं है। ये कितनी अच्छी बात भगवान ने कही है कि कितना भी मनुष्य अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कितने भी पाप कर डाले मगर भगवान के नाम का एक जो स्मरण है वो अनेकों पापों पर भारी पड़ता है। यमदेव अपने किंकरों के से कहते हैं, दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को तो मेरे पास मत लाया करो। मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधवम, गोपिका वल्लभ, जानकी, नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। वो कौन कहते हैं? यमराज कहते हैं। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधरन, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो ऐसा कहते हैं, वह निष्पाप व्यक्ति को तुम दूर से ही छोड़ देना। जो भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल ग्रस्ती के पंचपय में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असुर व्यक्तियों को तुम मेरे पास लाया करो।
जिनकी जिव्या भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणामृत का स्मरण नहीं करता, सिर पर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, अपने सिर से एक बार भी झुकाकर भगवान का प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के कृत्यों से रहित असुर पुरुष को ही मेरे पास लाया करो। इसलिए हे पक्षेन्द्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। भगवान कृष्ण के नामकरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों उसको नहीं आते हैं उसके पास। जो व्यक्ति अंतकाल में गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की भगवत नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। क्षोत्रिय द्विज मतलब वेदवादी वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं को सवत्सा गौ दान करें। हे ताक्षर्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय हो जाता है। मतलब पुत्र की भी सहमति होनी चाहिए। अगर बाप तो या माँ तो करना चाहती है दान, मगर पुत्र किसी भी कारण से कहता है कि इस खर्चे की ज़रूरत क्या है या इसके करने से क्या होता है, तो वो चीज़ गलत है। इसका मतलब पुत्र भी अगर कहें कि हाँ आप दान करिए तो ये बहुत ही अच्छा है, वो दान अक्षय बन जाता है। सतपुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, जो धर्म को मानने वाले पुत्र हैं, इसलिए मनुष्य जो पुत्र चाहते हैं कि पुत्र जो होगा तो वो अंत समय में हमारी अंत्येष्टि ढंग से करेगा। भूमि पर स्थित आंधी आँख मूंदे हुए पिता को देख कर पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए कि हमारे पिता हमारे लिए क्या धन छोड़ के जा रहा है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पुत्र के भी ये कर्म बन जाएंगे और उसका फल उसको मिलेगा। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों काल में दिए गए दान का विशेष महत्व है। मतलब जब आप ग्रहण काल जब चलता होता है, ग्रहण लगा होता है तब, और जब आतुर काल मतलब मृत्यु का समय जब आता है तब, दोनों टाइम के अंदर दानों का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल लोहा सोना कपास नमक और सप्त धान्य भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का विनाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल मतलब भूरा रंग जो होता है, वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे के दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। आप ध्यान से समझिएगा, लोहे का जब वो दान करता है तो भूमि पर हाथ रखकर उस दान को करना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को भी प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना ही चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के यमदूत, ये जो मैं नाम आपके बोले हैं यम के यमदूतों के नाम हैं, ये वाले सारे वो जो यम के यमदूत हैं, लोहा दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षर्य, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो।
जिसके देने से पृथ्वी, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के स्वामी, मतलब जिस यहाँ जो जो रहते हैं, भूर भुआ स्वाहा में जो जो लोग रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है, तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पुट, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता, लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता, लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि को संतुष्टि मिलती है। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी अन्य दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, इन दानों का फल अल्पत होता है, किंतु पृथ्वीदान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। जो भी आप दान करते हैं, वो दान तो बस उसी समय आपने दिया, वो ब्राह्मण के द्वारा वो इसको इस्तेमाल कर लिया गया, मगर पृथ्वी का दान जो होता है वो प्रतिदिन बढ़ता ही है। वो दान भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता, और मतलब एक कुटिया तक नहीं मिलती है उसको। अगर मृत्यु के बाद दूसरा जो जन्म लेता है, उसको एक कुटिया भी प्राप्त नहीं होती, और जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना चाहिए। अन्य व्यक्ति के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है, मतलब जो भूमि दान नहीं कर सकते वो गोदान कर सकते हैं। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए, मतलब ये गाय हैं जो अलग अलग जो उनके नाम है उनके हिसाब से दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। वैतरणी धेनु का दान का मतलब है अष्ट दान में दी जाने वाली जो गाय हैं, अष्ट दान में जो गाय दी जाती है उनका है अंधेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्रधेनु है, ज्ञात अज्ञात ऋषि ऋण को मुक्ति के लिए ऋण धेनु दान होती है, और मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु तथा वैतरणी को पार करने वाली वैतरणी धेनु कही गई है। तो इस प्रकार दान करना चाहिए। और उसके बाद दान में दी गई गायें मनुष्य के त्रिविध, मतलब त्रिविध तीन प्रकार का होता है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों तापों तथा कायिकी, वाचिक और मानसिक, जो आपने काया से, जो वचन से और जो अपने मन से कोई भी पाप करे हैं वो सबको नष्ट कर देती है। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्यकाल, अपराहन और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित स्वस्थता और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से ही नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चितावस्था में दी गई एक गौ, मतलब जो आप कोई इंसान जो स्वस्थ है, अपने स्वास्थ्य होते हुए तब वो अगर वो दान करता है, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ और मुख्य काल में चित्त विवृत व्यक्ति के लिए द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोपरांत काल में दी गई विधि पूर्वक 100000 गौ दान फल के बराबर होता है। मतलब क्या बोला आपने, समझा यहाँ पर, जब कोई भी इंसान जीवित है, अगर वो जीवित अवस्था में ही गौ का दान कर देता है तो वो 1000 और 100000 गौ के दान के से भी बढ़कर आ जाता है। यहाँ स्वास्थ्य अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है।
उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रतिग्रह मतलब दान देने का दोष नहीं लगता, दान लेने का दोष नहीं लगता। मतलब यहाँ पर जो दान देना और दान लेने के बारे में कहा गया है कि कोई मतलब दान जब दिया जाता है तो जो दान लेने वाला है उसको भी दोष नहीं लगता। तो आगे भगवान बोलते हैं, स्वाध्य और होम करने वाला तथा दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाप की ब्राह्मण रत्न पूर्ण पृथ्वी का दान देकर लेकर ही प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं? अपात्र मतलब इसमें क्या बोला है, विष और शीत को नष्ट करने वाले जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र कभी किसी को विष चढ़ जाता है तो उसको मंत्र के द्वारा उस विष को उतार सकते हैं। और इसी प्रकार से अग्नि के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को हम लोग डाल देते हैं अग्नि के अंदर ध्वंस करने के लिए, तो मगर क्या कभी वो भी किसी दोष के भागी होते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है, मगर एक बात यहाँ पर बताया गया, जो अपात्र मतलब जो गौ लेने का पात्र ही नहीं है, जो मतलब दूषित व्यक्ति है, दूषित वो है, उसको कभी भी गौदान नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नरक प्रदान होता है। और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय हेतु गोदान के विषय में मैं तुमको कहता हूँ। काले और लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांस के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें, उसके कंठ में घंटा बांधें, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे, ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर इस ईख की नाव वह जो ईख की नाव है उसमें डालो। इसके उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसका दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख के नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। यहाँ पर एक मंत्र दे रखा है, संस्कृत में मंत्र दे रखा है, मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ रही आपके लिए, उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। उसका हिंदी में भी अनुवाद है, मैं आपको जल्दी से वो पढ़ देती हूँ। उसका मतलब है, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों में से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको यह वैतरणी गौ का दान कर रहा हूँ कि मुझे वो वैतरणी नदी पार ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको दान कर रहा हूँ, आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वारा द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। मतलब वो भगवान से कहते हैं कि आप मुझे वैतरणी नदी को पार मत करवाना, मेरी पहले प्रतीक्षा करना, मुझे ले जाना अपने साथ में। मेरे आगे भी गौएं हों और मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और मैं गौ के मध्य में वास करूं, जो लक्ष्मी सहित प्राणियों से में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित है वे भी धेनु रूप लक्ष्मी देवी मेरे पाप नष्ट करें। इस प्राक मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है, वैतरणी धेनु के बारे में बताया है, जो इस प्रकार से दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है, शरीर के स्वास्थ्य अवस्था में भी वैतरणी विषयक
छठ व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। मतलब जब शरीर आपका स्वस्थ हो तब भी इसका आचरण आप कर सकते हैं चाहिए। और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। वैतरणी नदी पार ना करनी पड़े इसलिए भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हेखक वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वथा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, विषुव अर्थात मेष और तुला की राशि की संक्रांति होती है उसमें, और वयति पात योग में, युगादि तिथियों में तथा अनन्य पुण्य कालों में उत्तम गौदान करना चाहिए। मतलब विशेषकर इस अध्याय के अंदर भगवान ने गौदान पर जोर दिया है। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है। मतलब ये भगवान कहते हैं कि समय समय का मत देखो, जब आपके पास धन है आप तभी दान कर दो, क्योंकि जो समय है बहुत बलवान है, वो आज तुम्हारे पास है, कल क्या पता तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। तो जो इसके दान देने के लिए कोई भी समय निश्चित मत करिए और दान कर दीजिए। शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट ही आ रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए, धन का नहीं। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों को दान देना ही चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय हो जाता है। अगर आप अपने हाथ से कोई दान करते हैं, अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए कोई भी दान करते हैं, चाहे आपने वो दान बहुत छोटा सा ही करा हो, तब भी वो अक्षय बन जाता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान किए गए हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को ना जानने के कारण व्यक्ति दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन को सफलता मिलती है। धन पुत्र पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधवों और पिता आदि का संबंध रहता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंत कौन उसके उद्देश्य से दान देगा, कि आप मर ही गए तो कौन आपके लिए दान देगा। इसलिए जो हमारे परिवार जो है हमें समझ लेना चाहिए, परिवार कुछ समय के लिए हमारा परिवार है, उसके बाद तो हमारे लिए अकेले की ही जर्नी है। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसके मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के साथ के द्वारा किया गया शुभ कर्म सब परलोक में उसके पीछे पीछे ही जाता है। शरीर आग से जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में ही रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी के किनारे नदी के में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसके भार और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है, जब तक ब्राह्मणों को दान कर दें, तब तक ब्राह्मणों को ध्यान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होता। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। मतलब आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी
धनराशि हो तभी आप दान करेंगे। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से भी समर्पित करता है वह संयतात्मा के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थों से मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सतपात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता वे कंजूस पापी प्राणी जो है मरने के अनंतर शोक मग्न हो जाते हैं। आतुर काल में मतलब जब मृत्यु का समय आता है उसे आतुर काल कहते हैं। आतुर काल में जो पुत्र, पौत्र, सहोदर भाई, सगोत्री और सुहजन दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज मैंने आपको 8वां अध्याय सुना दिया है और अब मैं आपको कुछ घंटों के बाद ही मैं आपको बताया कि मैं अब जो 9वां अध्याय है उसके भी मैं आपको तक वो 9वां अध्याय भी आज ही सुनाऊंगी, क्योंकि जिससे हम टाइम को मैनेज कर सकें। तो थोड़ी सी देर के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।